जी हाँ, फाइनल मुकाबला भराड़ा और एसआर स्पोर्ट्स शिखर के दरमियान, बहुत बड़े मुकाबले की उम्मीद। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं भराड़ा। गेंदबाजी का न्योता दिया है उस टीम को जिसने अभी तक सारे के सारे मैच पर पकड़ बना कर रखी है अपने गेंदबाजों के दम पर। हमारे अंपायर रहेंगे मिस्टर रतन सिंह कंवर जी, जिनके की बेटे के याद में यह टूर्नामेंट आयोजित हर साल करवाया जाता है, और उनके साथ रहेंगे रंजीत सिंह कंवर जी। इन दोनों अंपायरों का भी मैं शुक्रगुजार। मुकाबला शुरू। पहली गेंद हल्का कट कर आया बाउंड्री लाइन की ओर, गेंद आ रही है, फील्डर मौजूद है, लेकिन रन देके जाएगी पूरे चार। शुरुआत को खेलना कोई आसान काम नहीं। ये बड़ा मुकाबला इस बार गोलू की गेंद पे जो है प्रहार करा, शुरुआती दौर से ही जो है हावी होते हुए नजर आना चाहते हैं बल्लेबाज। कोशिश जो है उनकी अंतिम घड़ी है आज दोनों सारे खिलाड़ियों के लिए, जो फाइनल में टीमें पहुंची है उनके लिए यही अंतिम घड़ी है, और इसी के साथ थोड़ा सा जो है रन लिया है दोनों खिलाड़ियों ने, तो बेहतरीन रनिंग पीट हुई विकेट, और इस बार प्रहार करा, फील्डर मौजूद है, काबिले तारीफ क्षेत्र रक्षण, और थ्रो थोड़ा सा गलत दिशा में फेंक दिया है, फील्डिंग अच्छी लेकिन थ्रो थोड़ा सा दूसरी दिशा में भेज दिया है। इस तरह के अभी थ्रो की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस बार सम्मान दिया मात्र गेंद को थामा और उसे फिर से इस बार सम्मान दिया फील्डर के हाथों में, गेंद रन आउट का खतरा बरकरार, लेकिन फंबल हुआ गेंद उसी पीछे जीवन दान इन्हें पसंद है। एक और फिर से इस बार डिफेंड करा मात्र गेंद को, कोई भी अतिरिक्त कोशिश नहीं, समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। जी हां, एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 10 रन तरफ पे ज्यादा। जी हां विजय, और इस बार परीक्षा की घड़ी, खिलाड़ी के हाथों में गेंद और कोई मौका नहीं था रन लेने का, लेकिन जो जोखिम लेंगे तो इस बार फ्लिक करा मात्र गेंद को, खिलाड़ी मौजूद है, कैच का मौका था, एक बड़ा विकेट हाथ लग सकता था क्योंकि पवन जो है एक बार रन आउट के रूप में शायद से गवा बैठेंगे, लेकिन अंपायर का इशारा ना बाकी और ये बड़ी विकेट गवाई। इस तरह के जोखिम की आवश्यकता नहीं है, और ये जो है जाना होगा पवन को, अब लगने लिमिटेड एडिशनल ओवर मैच रहता है क्योंकि मात्र जो है 10-10 ओवरों का यह फाइनल का बड़ा महा मुकाबला आज के दिन का सच चुके और उनके साथ रहने गणमान्य व्यक्ति। इस बार नीचा रहा गेंद, हल्का सा नीचा जरूर रहा लेकिन कोई, इस बार छोटा गेंद जरूर था लेकिन ऊंचाई इस गेंद को नहीं दे पाए, मात्र एक रन चुराएंगे क्योंकि अब जो है झटका पहले लग चुका है रन आउट के रूप में, प्रयास करेंगे आने वाले कुछ ओवरों में, और इस बार फिर से वही दिशा वही किनारा, पिक करा मात्र गेंद को, बॉल के हाथों से खेला और एक रन जोड़ा और अपनी टीम के लिए संयम के साथ, इस बार गति के साथ है उछाल भी देखने को मिली 13 रन 9/4 विकेट, 2 ओवर 13 रन। तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं महेंद्र, और इस बार जो है बल्ला पूरी तरह से, और इस बार उछाल की प्राप्त करा एक बार दबा फिर से गेंदबाज महेंद्र अपने रन मार्ग पर, और इस बार करारा प्रहार, खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद जो है सीमा रेखा को चीरती हुई 6 रनों के लिए, आनंद भी आएगा। एक बार फिर से जो है गेंद बोल्ड हो गए हैं, गेंद स्टंप से जा लगी और स्टंप से गिलिया को भी, हल्के बल्ले से खेला इस बार कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास, एक रन चुराए, तीन ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन। चिमा संभाले, और इस बार जो फुल टॉस गेंद उसका भरपूर फायदा उठाया, खिलाड़ी मौजूद लेकिन ज्यादा दूर भेज ना सके इस गेंद को, एक रन चुराया उतने में दोनों बल्ले पर 1000 रुपए, और इस बार तीखा गेंद डाला और पूरी तरह से बीट किया बल्लेबाज को, लेकिन रन चुराने से नहीं रोक पाए, और एक बार फिर से बाहरी किनारा जरूर लगा बल्ले का लेकिन गेंद ज्यादा दूर जा ना सके, खिलाड़ी भी जो है थोड़े थोड़े ठंडे पड़ते जा रहे थे क्योंकि इस इलाके में जो है ठंड थोड़ा ज्यादा रहती है, इसी बीच एक बेहतरीन करारा प्रहार किया है बल्लेबाज ने, गेंद सीमा रेखा की ओर जा तो रही है लेकिन खिलाड़ी जरूर मौजूद है,
इसी बीच एक बार फिर से जो है पारी की नारा और खिलाड़ी मौजूद महेंद्र एकदम भरने का अपने के चलते एक बार फिर से आपको मैदान के ऊपर काफी अच्छी वापसी दूर के किसी के साथ चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 29 रन प्लस दो विकेट बॉले और इस बार फिर से सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास के सामने खिलाड़ी मौजूद लेके ज्यादा दूर गेंद को भेज नहीं पाएंगे एक रन से ही संतोष करता होगा जिसमें कि आजकल 128 टीमें पार्टिसिपेशन कर रही है और इसी के साथ जो है पहले मैदान की ओर चलिए आप गोलू ने इस कदर गेंद डाली कि विकेटें जो है विकेट कीपर के पास आना पसंद कर रही है और लगने वाला एक और लाइट जा चुकी है लेकिन मैच चालू है और बहुत अच्छी बॉल गोलू के द्वारा गोलू की बॉल सिंगल बिल्कुल नहीं छोड़ रहे देखा ना बढ़िया एक रन और इसी बीच स्कोर आउट कितने वहां पे जो टूर्नामेंट खेला जाता था 122 टीम इस समय भाग ले रही है और इसी के साथ एक बेहतरीन कटकर और इस बार रन आउट का खतरा है लेकिन डायरेक्ट बॉलिंग अब शायद से दूसरा रन मिलेगा जी नहीं प्रथम पुरस्कार है और साथ ही जो है द्वितीय पुरस्कार 55,000 कैश और साथ में एक बार मोबक ट्रॉफी को रखा गया है तो गलती करना तो लाजिम सकता है शायद से और इस बार फिर से आगे आते से फ्लिक करा गया है फील्डर मौजूद लेकिन दूसरी बीच एक और रन का इशारा मिला तो सुनने पे स्वागत जैसी वाली बात हो जाएगी और इस बार फिर से हल्के बल्ले से कट करा स्लिप की दिशा में स्ट्रोक रोके रहे फील्डर दो दो मौजूद है एक ही रन मिलेगा मात्र ज्यादा खेले जाएंगे मेहनत नहीं करेंगे तो वो मुश्किल है आपको मिलना और एक बार फिर से गेंद साथ ही पर आना भी है आप कम बता के इस टीम को भी इस टीम ने जो है और इस बार देखिए हवा में खेला है फील्डर मौजूद है मात्र रह जाएंगे दर्शक बनकर और रन जो है मिलेंगे पूरे चार गेंद गई है सीमा पार और रन देके जाएंगे पूरे 40 रन जी हां समझ आऊंगा 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 41 रन लॉस ऑफ 3 विकेट स्कोर एकदम से चढ़ गया और इस बार फिर से जो है सीधा बल्ले से खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंदबाज इस बार छोटा खेल जरूर लेकिन गलती पर और इस बार फिर से सीधे बल्ले से खेला फील्डर मौजूद लेकिन इस बार जो है विकेट गंवाएंगे वापिस जाना होगा इस बार सामने के खिलाड़ी द्वारा कोई गलती नहीं विकी ने कैच पकड़ा है इस बार कोई गलती नहीं ये शायद विकेटों का नुकसान और इसी बात जो मैं पहले ही कह रहा था कि विकेटों का नुकसान हो सकता है क्योंकि शायद से चोट लगी नहीं है और सहमे हुए मुझे जो है रामो और इस बार फिर से विकेट के लिए अकेला गेंद को एक रन छुड़ाएंगे तो प्रदेश को जो है उनसे उम्मीदें रहेगी और इस बार हवाई फायर गेंद को भेजा है सीमा पार की कोशिश थी लेकिन बीच में बट्टी के द्वारा शानदार कैच पे मौजूद है चुनीलाल गर्ग जी जो कि हमारे यहाँ के युवा जिला परिषद है उनका भी मैं स्वागत फोटोस के इधर लो फोटोस के इधर का सब क्लिक करा मात्र गेंद को ज्यादा दूर भेजना नहीं चाह वो आए हैं आप और इसी बीच काबिले तारीफ गेंदबाजी पर खड़े खड़े क्योंकि गेंदबाज जो है बल्लेबाज की रीच से बाहर गेंद रखे इस बार जो है काफी बाहर गेंद उन्हें याद जरूर करना चाहिए और साथ में उनके साथ अंपायर है रंजीत कंवर जी उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि पूरा समय देते हैं हमारे लिए और इस बीच जो है खिलाड़ी के हाथों में कैच का मौका था लेकिन प्रयास बहुत अच्छा भरसक कोशिश लेकिन सफल नहीं रहेंगे और इसी बीच एक बार फिर से जो है उसी खिलाड़ी के पास जो है गेंद इस तरह की प्रतियोगिताओं के लिए बहुत रहता था और इसी बीच जो एक बार गेंद नीचे रहा और ये 15 रन के रूप में जो मिलेंगे सीमा पार गए हैं रन वाइड भी करार दिया है पार ने साथ ही भाई के रूप में जो है छोटे रन आपके साथ शुरुआत करेंगे और एक बार फिर चाल के बल्ले से खेला फील्डर मौजूद है देखते हैं क्या कितने रन चुरा पाते हैं दोनों बल्लेबाज एक रन चुराए और सिंगल डबल के साथ जो है कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से देखिए ये सिंगल डबल का जो है वो आईना सा करके रखा है शायद से इन्होंने ग्राउंड का इन खिलाड़ियों ने दो बार से राउंड
फिर से इस बार उठा के खेलाया, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन दर्शक बनकर रह जाएंगे। गेंद ड्रॉप हुआ उनके हाथों से और उसी बीच जो है दो रन चुराने से इन दोनों बल्लेबाजों को रोकना जो है काफी मुश्किल रहेगा। काफी कैच आउट अपील लेकिन वहां आउट दे दिया है सामने। जी हाँ वहां सामने आउट दे दिया था एम्पायर ने। ये डिसीजन लेग एम्पायर का तो वैसे भी नहीं होता। इस टूर्नामेंट में आईबीटी ने मैन ऑफ द मैच प्रत्येक मैच के लिए स्पॉन्सर करे उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस बार जो है फिर से गलती कर बैठे और एक मरतबा फिर से राहुल हल के कदमों के साथ और इस बार जो है अपनी राहुल ने और तीन विकेटे तीन गेंदों में झटकी और अपनी जो है हैट्रिक पूरी कर ली है राहुल ने। काबिल तारीफ गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी इस समय राहुल की तरफ से। शानदार। मैं आपको बता दूं कि इन्हें हमारे हिमाचल प्रदेश में जादू के नाम से जाना जाता है। जादू तो इन्होंने आज अपना जादू और इसी के साथ जो ऑल आउट हुई टीम जैसे कि हम बात करें तो ऑल आउट की वापस भेजा और एक आसान सा लक्ष्य फाइनल मुकाबले में मेरे ख्याल से 53 रन 54 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य रखा है 10 ओवरों में और पूरे के पूरे 10 विकेट आउट हो चुके हैं भराड़ा के। जी आपका फाइनल मुकाबला 54 रनों का लक्ष्य 10 ओवर में और बल्लेबाजी पर विकी और रोहित, गेंदबाजी में नरेंद्र। एक बार फिर से आपको मैदान की ओर लेके चलते हैं। गेंदबाज आए नरेंद्र और सामने भी खड़े हैं उनके विकी। सामना करेंगे नरेंद्र की गेंदबाजी का, पहली गेंद फेंकेंगे दूसरी इनिंग की। 54 रनों का एक आसान सा लक्ष्य चिकर के सामने, देखते हैं कितने ओवरों में पूरा कर पाती है यार। और इसी बीच काबिले तारीफ यॉर्कर लेंथ में इस बार गेंद को ढकेला है पूरी तरह स्मार्ट बनता यार। और इसी के साथ सीधे बल्ले से खेला लेकिन गेंद जो स्टंप से जा लगी और दूसरी छोर पे जो थ्रो तो करा था लेकिन बल्ले और इस बार जो है सम्मान दिया मात्र गेंद को हल्के बल्ले से खेला, एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों के द्वारा रनिंग सातवें आसमान पर इस समय। और इसी बीच हवाई फायर करने का प्रयास किया, फील्डर मौजूद है लेकिन रह जाएगा मात्र दर्शक बनकर, गेंद सीमा पार जाएगी और रन देके जाएगी पूरे छह रन लेकिन। और इसी बीच एक बार फिर से जो है मात्र डिफेंड करा गेंद को, एक और रन का इशाफा, एक मरतबा फिर से गेंदबाज हल्की कदमों के साथ फुल टॉस की लोअर फुल टॉस गेंद थी, एक कैप में खेल दिया और गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है। फील्डर नवल द्वारा जो है काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण, काफी दूर से दौड़ कर आया और इस गेंद को रोका, दो रन बने। और इस बार फ्लिक करा इस बल्लेबाज का, मुझे ये स्ट्रोक काफी ज्यादा पसंद है। पिछले मैच में आपने इनका एक स्ट्रोक देखा, दूसरे के लिए दौड़े दो रन आसानी से पूरे कर लेंगे, जब दो रन आसानी से पूरे कर लिए और पिछले पूरा साथ दिया है फाइनल तक अपनी टीम का। और एक बार फिर से गेंदबाज हल्के कदमों के साथ जो है प्रगति पे लंबा गेंद मिला और उसे जो है भेजेंगे भी बाउंड्री की ओर लेकिन नवल सामने मौजूद रहेंगे और दूसरे के लिए दौड़े बेहतरीन रनिंग तो हो रही है लेकिन जो है इस बार जो है रन का खतरा खोया। आप जो है तीसरे के लिए जाएंगे नहीं, तीसरे के लिए जाएंगे तो बड़ा जोखिम वो ले सकते हैं, छोटी मोटी दौड़ नहीं है और साथ में जो द्वितीय स्थान पे रहेगी वो 55,000 की दावेदारी ठोकेगी। काफिले तारीफ और छोटा गेंद लेकिन दूर थोड़ा सा बल्लेबाज की पहुंच से लेकिन रतन कंवर जी दूसरी तरफ रंजीत कंवर जी और इस बार फिर से पढ़ना और चढ़ना चाहते थे लेकिन चढ़ना भी पड़ेगा उसके लिए, गेंद में थोड़ी दूर रही गेंद उनके भाई का इशारे बहुत जल्दी वापस पवेलियन लौट गए उसका जो है उस कारण रन जो है कम रह गए थोड़े। फुल टॉस गेंद हवाई फायर लेकिन सफल नहीं हो पाएगी मेरे ख्याल से और एक आसान सा कैच थमा बैठे 30 यार्ड के अंदर खिलाड़ी के हाथों में। एक साइड से जो पूरी तरह से खड़े थे दूसरी तरफ से जो इन्होंने जरूरत नहीं समझी और इस बार सम्मान दिया मात्र फ्रंट फुट पे जाकर गेंद को इस बार स्टॉप करा और एक रन चुराया। काबिले तारीफ इस समय रनिंग बीट में दबी कर दोनों तरफ से देखने को मिली दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। इसी के साथ दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 18 रन मोहनलाल जी जो कि पूरे में दो बार जो है विधायक जी रहे विधायक रह चुके हैं, बेहतरीन से आभार व्यक्त करता हूं। और इसी बीच करारा प्रहार इस समय देखने को मिला छोटे कद के खिलाड़ी रोहित की तरफ से और रोहित का मेरे पिछले मैच में मुकाबला आज के दिन का फाइनल मुकाबला 1,21,000 रुपए और एक मनमोहक ट्रॉफी की दौड़ और इसी भयंकर गेंदबाजी लगने वाला एक और बड़ा झटका अरुण बहुत
एक और बेहतर गेंद अपील करी, लेकिन गेंद पहले बल्ले से लगी, बाद में जो है कुटियल के ट्रायल भी है, तो उसके लिए भी जो है छोटा गेंद और पर का भी और बड़ा भी जड़ा भी, लेकिन गेंद को जो चार रनों के लिए स्पीच बेहतरीन। एक बार लाड़ी पे ये मचल के कोने कोने से जो है खिलाड़ी टूर्नामेंट में भाग लेंगे, तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म। और इसी बीच देखिए क्या क्लास ये शॉट खेला है, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन एक रन चुराने से इन दोनों खिलाड़ियों को रोकना जो है असंभव सा नजर आ रहा है। श्रृंखला में बड़े बड़े हिट्स लगाए हैं, दौड़ इस कदर है कि गेंद देखिए रफ्तार भरी पूरी तरह से, राकू का देखिए एक तरफ से इशारा देखिए राकू का, मौका था जो इसने ज्यादा प्राप्त करा इसके देख पर फिर से, और इसी बीच गैप पे खेलने का प्रयास, लेकिन खिलाड़ी मौजूद ज्यादा दूर भेजेंगे नहीं गेंद को, बैकअप की मांग जो है, स्कोर जा पहुंचा है 27 रन और लॉस ऑफ 2 विकेट, काफी मौका मिला है। और इस बार जो है रोहित ने बल्ला घुमाया लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क साधना थोड़ा, लेकिन गेंदबाज की जितनी तारीफ की इतनी थोड़ी। और इस बार गति में मिश्रण और गेंद सीधा फॉलो थ्रू में जाके कुछ पकड़ेंगे और थ्रो करेंगे, ठंड यहाँ पे बहुत है, बहुत ज्यादा है, ठंडा मौसम है। इस बार छोटा गेंद और इतना करारा प्रहार, इतना करारा प्रहार कि गेंद को भेजा है पूरी सीमा पार, जाना होगा और मात्र दर्शकों को उठा के लाना होगा गेंद को, दर्शकों के बीच इस बीच गेंद को भेजा 6 रन, फुल टॉस गेंद लेकिन थोड़ी सी दिशा से बाहर और 1 रन चुराया, और ये डायरेक्टेड थ्रो दबाव बनाने का प्रयास, लेकिन बेहतरीन रनिंग के समय दोनों, परिणाम अच्छे यदि आपको सारे मानता है क्योंकि आज इतना बड़ा टूर्नामेंट है और इतने बड़े टूर्नामेंट में फुल टॉस गेंद इस बार फेंकेंगे और इतनी दूर नहीं, थर्ड मैन ने काफी बेहतर कार्य किया, रन बचाए कुछ अपनी टीम के लिए, वाइड दौड़ ये पैसों के लिए दौड़ भी नहीं है। और इसी बीच हेलीकॉप्टर का प्रयास करा, फील्डर मौजूद गैप में खेला, रन देके जाएगा ये शॉट पूरे चार, फराड़ा की टीम से तरफ से कश्मकश अब भी जा रही है। और इस बार फ्लिक देखिए, वह हल्की सी छवि मुझे शॉट में भी दिखी, वो पिछले छक्के वाली छवि, ये तो उनका फेवरेट एरिया जी, है जी जी जी, इस तरफ 42 रन लॉस ऑफ 2 विकेट, जी हाँ चार समाप्त हो चुके हैं, रन बन चुके हैं 42 की रहती है, इस तरह की आवश्यकता रहती है टीम को भी, मनोबल बढ़ता है बाकी खिलाड़ियों का भी। और एक और छोटा गेंद लेकिन ऊंचा जरूर होगा और वाइड करार देंगे, इस पारी पार ने अपनी बाजू चारों ओर से घिरा है, अपनी बाजुओं में से समेटे इस मैदान को, क्लिक करने का प्रयास इस बार लेकिन असफल रहेंगे, गेंद जो है थाई में जाकर कमी रही है जी। और इस पर फ्लिक कर रहा है थर्ड मैन की दिशा से, थर्ड मैन में खिलाड़ी मौजूद, गेंद से मारी करती है जा रही है लेकिन काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण, कोई मौका नहीं, जीत का बिगुल बज चुका है। और इस बार देखिए हल्का बाहरी किनारा लिया बल्ले का गेंद ने और फील्डर मौजूद थे लेकिन 1 रन चुराने, अब जो है जीत के लिए लक्ष्य आसान है, 33 गेंद नौ रन, इस बार तिरपाल से गेंद आ रही है, तिरपाल जो मैदान में यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैदान गीला है, आज के दिन का बड़ा महा मुकाबला जो खेला जा रहा है इस समय, भराड़ा वर्सेस एसआर स्पोर्ट्स चिखली के मध्य फाइनल मुकाबला। और इस बार देखिए समान दिया मात्र गेंद को, एक और रन जोड़ा अपनी टीम के लिए, बेहतर प्रयास कोशिश अच्छी के जो ये जीत है, मात्र 7 रन दूर, काबिले तारीफ गेंद, काबिले तारीफ बिल्कुल, जो अपना टीम के कोटे का जो है शॉट ओवर लेकर आए नरेंद्र, हमें बहुत मायने रखती है, आपको मैं एक बात बता दूं। और इस बार समान दिया मात्र गेंद को, कोई भी जोखिम लेने के रोहित को जो है जल्दी बहुत है रनों को बटोरने की, और ये रन जो 1,21,000 रुपए, साथ ही द्वितीय पुरस्कार है 55,000 प्लस मनमोहक ट्रॉफी, इस बार फिर से समान दिया, फाइनल का पुणे को आप देख रहे हैं जहां कहीं भी सुन रहे हैं, जो फाइनल मुकाबले की आवाज है, कड़कड़ाहट इस कदर की, फील्डर जो है गेंदबाज देखिए अब फिर से जो हल्का फ्लिक करा, फील्डर के हाथों में गेंद, मौका कोई नहीं, अब रन चुराने का कोशिश अच्छी प्रयास है, तेरे इसी अंदाज की तो पूरी दुनिया दीवानी है। और इसी पीछे पर फिर से हेलीकॉप्टर का प्रयास, ये देखिए गेंदबाज कोई मौका जी बिल्कुल, जिसलिए जो मिलता रहता है सिंगल डबल में उसी से जो है संतोष करना चाहिए। और इस बार फिर से देखिए अब प्रयास के अंतिम क्षण में क्या नहीं, इस बार हवाओं में हवाई यात्रा का प्रयास कितना सफल,
बिल्कुल सफल नहीं रहेगा। मैं आपसे कैमरामैन में आपसे बात कर रहा था कि बाउंड्री के भरोसे, शानदार कैच, बाउंड्री के भरोसे प्रदीप को जो शायद से इस फाइनल मुकाबले में, और इस बार फिर से मौका था, पारी किनारा लगा था, लेकिन कैच पकड़ने में सफल रहा इस क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी अनसुलझी कहानी जो हम सोचते हैं वो होता नहीं होता है, जो सोचते सोच नहीं पाते हैं। और इसी बीच बेहतर इस बार ये अच्छी साजिश कहूंगा मैं, कोशिश बाउंड्रीज की, यहाँ सिंगल से ही मैच जीत जाएंगे। अब यहाँ देखना तो काफी दिलचस्प रहने वाला कि क्या होता है। और इसी बीच गैप में शॉट खेला गया, सीमा पार जा रही है चार रनों के लिए। अब जो है थी जो है सनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का ताज अपने सर सजाने की तैयारी से एक रन दूर, और एक रन लिया, और इसी के साथ देखिए ये महामुकाबला चिखर की टीम के सर सजता हुआ सेलिब्रेशन में। जी हाँ, उनके खिलाड़ी 1,00,000 दौड़ कर आए और साथ एक मनमोहक ट्रॉफी का ताज जो है अपने नाम किया चिखर की टीम ने। साथ ही जो है हार का सामना करना पड़ा भराड़ा की टीम को, तो मैं उन्हें भी जो है भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हैंडशेक एक सिक्के के दोनों ही टीम के दरमियान हैंडशेक होता हुआ, बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट रहा, बहुत सुनहरी यादों को लेकर साथ जाएंगे।